अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 इसमें पहले खुद ही करें और बेशक आप सॉल्यूशन देख लें, क्योंकि इसमें जो बात कन्वे करनी है ना वो वैल्यूज के जरिए ज्यादा बेहतर समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन ही देख लें चाहे इसका। इसमें एक तो आपको ये चीज सिखानी है जो भी कंटिजेंटली की बात हुई थी, दूसरा इसमें आपसे ना जो ईपीएस है वो इस तरह भी पूछी जा सकती है कि एक क्वार्टर की और 6 महीने की, क्योंकि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है ना लिस्टेड कंपनीज की, और ये आईएएस है ही लिस्टेड कंपनीज के लिए, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट क्वार्टर और फर्स्ट हाफ इनकी कैलकुलेट कर दें। इस तरह से हो सकता है आपसे पूछा जाए कि हर क्वार्टर की अलग अलग और पूरे साल की अलग अलग। तो एक तो ये कंटिजेंट की प्रैक्टिस के लिए और दूसरा ये क्वार्टर 1-2 के लिए। ये आप क्वेश्चन 5 देख लें, सॉल्यूशन ही देख लें, कोई मसला नहीं।
हाँ जी किस क्वार्टर में डाइल्यूटेड में के हैं बेसिक में क्या डाइल्यूटेड में तो बेसिक में तो वो कंटिंजेंसी है ना वो तो जीरो ही आएगी हाँ तो वर्किंग टू लिखी हुई है ना आगे नोट लिखा हुआ है ना जिस पीरियड की बात हो रही है देखो जो जब मैंने ये सब कंटिंजेंट ये जो भी हमने कंटिंजेंटली में पढ़ा है उसमें पढ़ा है कि अगर उस पीरियड पीरियड ईयर नहीं पीरियड अगर उस पीरियड के एंड पे टारगेट मीट हो रहा है ऐसे जैसे उस पीरियड के एंड पे टाइम खत्म हो रहा होता मतलब हम साल के टारगेट को क्वार्टर पे करेंगे असल में हम पीरियड की बात कर रहे हैं ना हम कह रहे हैं क्योंकि एनुअल अर्निंग्स कहा था क्या कहा था तो हम चूंकि पहले क्वार्टर के एंड पे खड़े हैं तो पहले देखो ना अगले क्वार्टर के एंड अगर अगले तीनों क्वार्टर काम ही ना हो तो ये भी तो हो सकता है ना कि पहले क्वार्टर में ही सारा कुछ कमा लें तो अगर हम पहले क्वार्टर के एंड पे 2 मिलियन कमा चुके हुए हैं अब अगले 3 क्वार्टर काम होता है नहीं होता देखें शर्त यह है कि जिस पीरियड के एंड पे ईपीएस निकाल रहे हैं अगर वही पीरियड एंड ही शर्त होता तो क्या हम शर्त पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे जरूरी होता है कि इवनली थ्रू आउट द ईयर प्रॉफिट हो नहीं नहीं वो तो स्टूडेंट सवाल करते हुए कर रहा होता है वैसे सीजनल बिजनेस भी हो सकता है हो सकता है सारा कमाते ही क्वार्टर में हो तो जिस पीरियड की ईपीएस कैलकुलेट हो रही है उस पीरियड को सामने रखना है अगर वो 6 महीने की तो 6 महीने को सामने रखना है अगर वो क्वार्टर का है तो क्वार्टर को सामने रखना है ये तो बल्कि एक्चुअल आईएएस का डाटा ही है बाकी मैं क्या करता हूं डाटा कुछ आगे पीछे कर देता हूं ये तो आईएएस ही का डाटा है
जो आईएएस में एग्जांपल होती है ना, ये वही डाटा उठाया मैंने, तो हमने उस पीरियड को देखना है बस। हाँ जी ठीक है डन। कोई इसमें ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि बाकियों को मसला होगा? तो हमने जिस पीरियड की कैलकुलेशन करनी है उस पीरियड के हिसाब से चलना है। अब देखें जिसमें जब क्वार्टर थ्री था, डाइल्यूटेड की बात कर रहा हूं, तो वो जो हम क्यूमुलेटिव 2 बिलियन क्रॉस कर चुके हुए थे उससे नीचे आ गए, इसलिए वो जो अर्निंग वाली बात थी वो उड़ा दी, अब उसमें शेयर्स उड़ा दिए। लेकिन जब क्वार्टर फोर में फिर पूरा कर गए तो उसमें फिर वापस शेयर्स डाल दिए। अच्छा एक ये बात थी इसमें, और बेसिक में ये अर्निंग वाली बात कहीं नहीं आई, क्योंकि अर्निंग जब कंटिजेंसी एंड होगी तो बेसिक में आएगा। लेकिन जो साइट डालनी थी वो आ गई, क्योंकि साइट एक्चुअली लग गई, तो जब एक्चुअली लग गई तो उसके शेयर्स आ गए। लेकिन वो लगी कब? कुछ टाइम गुजरने के बाद, इसलिए वो टाइम अपोर्शन हुए। लेकिन डाइल्यूटेड में क्यों टाइम अपोर्शन नहीं किया? क्योंकि डाइल्यूटेड में हम पहले दिन से मानते हैं, अनलेस के इंस्ट्रूमेंट ही नया इश्यू किया हो। तो डाइल्यूटेड में चूंकि पहले दिन से गिनना होता है तो इसलिए उसमें पूरा 5,000 लिया, जबकि बेसिक में तो गिनना ही तब से है, ये पिछले लेक्चर में बताया था, गिनना ही तब से है जब शेयर का हक बना है, तो इसलिए उसमें महीनों को एडजस्ट करना पड़ा। अच्छा जी ये हो गई बात, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चल ठीक है आगे चलते हैं। नंबर 4 पढ़ के देख लें, इसका आईकैप की बुक में जिक्र नहीं है और टेस्ट भी ये चीज नहीं हुई, लेकिन फिर भी आईएएस में है तो मैंने लिख दिया है। नंबर 4 आखिरी पेज पे, नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट्स दैट मे बी सेटल्ड इन ऑर्डिनरी शेयर्स और कैश, यानी हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं जो हो सकता है शेयर्स में, हो सकता है कैश में। अब इसमें दो बातें हैं, या तो हमारी मर्जी है कि शेयर्स या कैश, या होल्डर की मर्जी है शेयर या कैश। अगर तो हमारी मर्जी है तो फिर तो हम यही सोचेंगे कि हमने शेयर्स देने ही देने, हम इसी बेस पर डाइल्यूटिव कैलकुलेट करेंगे।
लेकिन अगर दूसरे की मर्जी है तो उसमें फिर हम लोग देखेंगे उसका ज्यादा फायदा किसने, यानी डाइल्यूटिव क्या हो रहा है, फायदा नहीं, उसमें हम देखेंगे कि ज्यादा डाइल्यूटिव क्या है। डाइल्यूटिव से क्या मुराद है, या तो शेयर्स बढ़ने हो या फिर हमारा न्यूमरेटर कम हो रहा हो तो भी वो डाइल्यूटिव हो जाएगा। ये है अगर ऑप्शन है तो। अच्छा, ये हो गई एडजस्टमेंट्स, ये डाइल्यूटेड की हो गई एडजस्टमेंट्स। अब आखिरी पेज पे जो मेरे नोट्स लिखे हुए हैं उनमें पॉइंट 1-2 बता चुका था, पॉइंट 3 भी बता दिया, वो जो कन्वर्टेबल वाला सवाल किया था, पॉइंट 3 भी एक बार पढ़ लें, ये बता चुका, और पॉइंट 4 भी बता चुका। पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट नंबर 5 समझें, ये पॉइंट नंबर 5 मैं आपको एक सवाल के साथ समझाता हूं, उसके बगैर मुश्किल है, सवाल के साथ समझाता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पांचवें पे आ जाए, नहीं छठे पे आ जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 पे आ जाए, मैं खुद करता हूं सॉल्व। हाँ जी, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव ये होते हैं ना, ₹8 पर शेयर यानी 10%। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स है ना तो उनपे इंटरेस्ट रेट वो 800,000 है ना, देखो ₹100 का 10% नहीं, सॉरी 8%, ₹100 पे 8 रुपए, मतलब 8%, और क्यूमुलेटिव वो क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव जो होते हैं। पढ़ लिया। अच्छा, आप देखें इसमें हमने एक एक करके तो डिस्कस किए ऑप्शंस और कन्वर्टेबल्स, लेकिन अगर सवाल में एक से ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे,
अगर एक से ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो निकालेंगे बेसिक ईपीएस, क्योंकि बेसिक ईपीएस निकलेगा तो उसके बाद आगे बात चलेगी। बेसिक ईपीएस निकालते हैं। पैट कितना, बल्कि पैट क्या, सारा कुछ ही दिया हुआ है। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो भी माइनस हो गए, और हां ये मैंने भी शुरू में बात की थी कि ये हमने अलग अलग कैलकुलेट करनी होती है। ये अलग अलग करनी होती है कैलकुलेट। कंटिन्यूइंग के लिए न्यूमिरेटर क्या होगा? 10 मिलियन के 6 मिलियन, 10 मिलियन, 6 मिलियन डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स 2 मिलियन ही हैं, यानी कोई राइट इश्यू बोनस इश्यू नहीं है, तो बस 2 मिलियन ही हैं। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का बेसिक ईपीएस कितना हो गया? 10 मिलियन। कहां पर? अरे 10, ये हो गया बेसिक ईपीएस कंटिन्यूइंग के लिए। और डिसकंटिन्यूड के लिए न्यूमिरेटर क्या है? 4 है। डिसकंटिन्यूड 6 तो टोटल है फॉर द ईयर। 10 मिलियन कंटिन्यूइंग का है, यानी कंटिन्यूइंग ने 10 मिलियन कमा के दिया, डिसकंटिन्यूड पे 4 मिलियन गंवा दिया, तो टोटल फॉर द ईयर 6 मिलियन है। तो डिसकंटिन्यूड का 4 मिलियन का लॉस है, लॉस है तो वो नेगेटिव है। कितना नेगेटिव? अर्निंग पर शेयर भी हो सकती है, लॉस पर शेयर भी हो सकता है। ये हो गई बेसिक ईपीएस। डाइल्यूटेड के लिए हमें 3 पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हुए हैं, हो सकता है डाइल्यूटिव हो सकता है ना हो, और अगर ये मान भी लें कि सारे डाइल्यूटिव हैं, हम इन सब को इकट्ठे नहीं कर सकते, हमें इनको अलग अलग लेके चलना पड़ेगा। अलग अलग लेके चलने से मुराद यह है कि पहले बेसिक ईपीएस निकली, फिर इन 3 में से पहले एक न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में डालेंगे, फिर डाइल्यूटेड ईपीएस निकलेगी, फिर दूसरा उसमें मजीद डालेंगे, फिर डाइल्यूटेड ईपीएस और कम हो जाएगी, फिर तीसरा उसमें शामिल करेंगे, फिर डाइल्यूटेड ईपीएस निकल जाएगी, तो वो जो सबसे आखिरी वाली होगी वो डाइल्यूटेड है। करके दिखाता हूं भी, दोबारा सुने। इससे पहले हम लोग सारी चीजें एक एक करके डिस्कस कर रहे थे। अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आ गए तो हमें इनको एक एक करके शामिल करना पड़ेगा। यानी ये बेसिक ईपीएस है, ये इसका न्यूमिरेटर, ये इसका डिनोमिनेटर। इसमें तीनों की न्यूमिरेटर की एडजस्टमेंट और इसमें तीनों की डिनोमिनेटर के एडजस्टमेंट एक साथ नहीं करनी। पहले इन 3 में से एक को देखेंगे, बाकी दोनों को इग्नोर, और उनको इसमें एडजस्ट करके डाइल्यूटेड ईपीएस निकलेगी। अब अगला स्टेप, बाकी 2 में से एक और को शामिल कर लेंगे, फिर अगला स्टेप, फिर तीसरे को फिर शामिल कर लेंगे। करके दिखाता हूं। चूंकि इनको एक एक करके शामिल करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि पहले किसको शामिल करना है। तो डाइल्यूटेड के लिए पहले करनी पड़ेगी रैंकिंग। अभी मैंने पिछली क्लास में एक बात की थी कि अगर बेसिक ईपीएस 2.25 है और अगर सिर्फ जो न्यूमिरेटर में एडजस्टमेंट होने जा रही है और जो डिनोमिनेटर में एडजस्टमेंट होने जा रही है, जो मैंने 4 मिलियन लिख के दिखाया था, हम सिर्फ उस पोर्शन को सॉल्व करें अगर और वो 2.25 से ज्यादा आ जाए तो एंटी डाइल्यूटिव है। अभी मैंने पिछली क्लास में समझाया था।
और अगर वो 2.25 से कम आए तो फिर डाइल्यूटिव है। इन तीनों में से कौन सा ज्यादा डाइल्यूटिव होगा? जो ज्यादा कम आ रहा होगा। नहीं समझ आई? हम लोग रैंकिंग करेंगे और रैंकिंग ऐसे करेंगे कि इन तीनों पे एक एक करके इनकी इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालेंगे। इंक्रीमेंटल ईपीएस से मुराद यह है कि हर एक पे न्यूमिरेटर में जो चेंज करनी थी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो चेंज करनी थी वो सब एक एक करके देखेंगे। ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस की न्यूमिरेटर में क्या चेंज आनी थी? जी सिर्फ ऑप्शंस को देखें, न्यूमिरेटर में कितनी चेंज एडजस्टमेंट करनी है? ऑप्शन में न्यूमिरेटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। डैश, अगर डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे हैं तो बेसिक ईपीएस निकाल चुके, न्यूमिरेटर में कुछ एडजस्ट करते हैं और कुछ डिनोमिनेटर में एडजस्ट करते हैं तो डाइल्यूटेड निकलती है। जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या करते थे, न्यूमिरेटर में वो आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट ऐड करते थे और डिनोमिनेटर में वो कन्वर्टेड शेयर्स ऐड करते थे। ऑप्शंस में न्यूमिरेटर में कुछ ऐड नहीं होता क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंस इनकम नहीं हुआ होता। डिनोमिनेटर में क्या ऐड होता है? वो जो मुफ्त वाले शेयर्स हैं। और मुफ्त वाले शेयर्स कैसे निकालते हैं? जितने शेयर्स हैं माइनस जितने करते, तो कितने हमने इशू करने हैं ऑप्शंस के तहत? 1,00,000। इन 1,00,000 से कितना पैसा रेस करने जा रहे हैं? लेकिन अगर फेयर मार्केट प्राइस पे शेयर इशू करते तो कितने का करते? 75। तो हम जितना पैसा रेस करने जा रहे हैं 75 रुपए के हिसाब से इतने शेयर से रेस कर सकते थे। 1,00,000 माइनस ये, तो ये मुफ्त वाले शेयर आ जाएंगे। इंक्रीमेंटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल शेयर्स, 0 डिवाइडेड बाय 20,000। दूसरा क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें न्यूमिरेटर में क्या एडजस्टमेंट होती है? जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड कितना डिविडेंड है इनका और शेयर्स कितने हैं? तो कितना डिविडेंड हुआ, यानी 6.4 मिलियन। अगर इसको इग्नोर करके सिर्फ इसको देखें, अगर इसकी डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं तो न्यूमिरेटर में कितनी चेंज करते, इतनी डिनोमिनेटर में कितनी चेंज करते, जितने शेयर्स में इसने कन्वर्ट होना है कितने शेयर्स में कन्वर्ट होना है? 16,00,000। इंक्रीमेंटल अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल शेयर्स, 4। तीसरा क्या है? अभी तो हम सिर्फ इस पोर्शन को देख रहे हैं। कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग तो ये है कि ये क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं कि 10 मिलियन में और क्या शामिल करना है, तो ये उस और की बात हो रही है। हम इनकी रैंकिंग करेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव है, उसके बाद डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट होगी। तीसरे नंबर पे क्या है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स।
ये मैं क्या कर रहा हूं दोबारा बताता हूं, अगर एक ही पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है तो वो अभी से पहले जो किया वो कर लिया, जो अभी से पहले चार पांच सवाल किया ना वो एक एक करके थे, एक दो सवाल ऑप्शंस के थे, एक दो जो है वो कन्वर्टेबल्स के थे, एक दो कंटिजेंटली इशूड के थे एक ही बल्कि। अब मैं करा रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ऑप्शंस भी हैं, कन्वर्टेबल भी हैं, तो कैसे डील करना है। सबसे पहले उनकी रैंकिंग करनी है। रैंकिंग कैसे करनी है? इंक्रीमेंटल अर्निंग, यानी अगर इनकी डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते सिर्फ इसको इस्तेमाल करके तो न्यूमिरेटर में क्या चेंज करते है वो है, और जो डिनोमिनेटर में चेंज करते है वो है बॉन्ड्स। न्यूमिरेटर में क्या चेंज करते इनका, वो आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट ऐड करते कितने हैं बॉन्ड्स, एक लाख बॉन्ड्स हैं, रुपए हैं ये बॉन्ड है, ये कितने परसेंट, फाइव परसेंट नेट ऑफ टैक्स 0.6। इस पे जो फॉर द ईयर इंटरेस्ट चार्ज हुआ उसको नेट ऑफ टैक्स किया है कितना, थ्री मिलियन, और इनसे कन्वर्जन होती तो कितने शेयर्स बनते, ट्वेंटी मिलियन, टू मिलियन, एक लाख बॉन्ड्स इंटू ट्वेंटी, टू मिलियन, तो इनके बदले दो मिलियन शेयर इशू होते, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1.5। सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव वो होगा जिसका ये आंसर सबसे कम है, तो पहली पोजीशन किसकी, इसकी, फिर इसकी, और फिर इसकी। अब इस रैंकिंग के बाद डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं और वो एक टेबुलर फॉर्मेट में कैलकुलेट होगी। ये रैंकिंग वाली बात आई समझ, क्या नहीं क्यूमुलेटिव बेसिस पे होगी, नहीं अलहदा प्रेजेंट से क्या मुराद है, हाँ हाँ ऐसे ही होगा, हाँ अलग से प्रेजेंट, उसी से फैसला होगा कि डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है। जरूरी नहीं है कि तीनों ही डाइल्यूटिव हो, इनमें से कोई एंटी डाइल्यूटिव भी हो सकता है। तो अब जो हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे वो एक टेबुलर फॉर्मेट में निकलेगा, नहीं नहीं पता तो चल जाएगा, जैसे ये वाला एंटी डाइल्यूटिव है, ये वाला एंटी डाइल्यूटिव है क्योंकि वो नेट बन गया तीन और ये तीन से ऊपर है तो ये एंटी डाइल्यूटिव है। हम लोग अब निकालने लगे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, और इसका तरीका यह है कि थोड़ी सी अंग्रेजी, न्यूमिरेटर और ये कंटिन्यूड के लिए निकल रहा है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, न्यूमिरेटर यानी अर्निंग्स, न्यूमिरेटर लिख दें वो भी बहुत है, अर्निंग्स लिख दें, न्यूमिरेटर लिख दें, दोनों ठीक है, डिनोमिनेटर लिख दें, शेयर्स लिख दें, दोनों ठीक है। डाइल्यूटेड ईपीएस, सबसे पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो बेसिक था, यानी वही डाटा दोबारा, क्या था, 10 मिलियन और 2 मिलियन।
अब जो हमने रैंकिंग की है ना, उस एतबार से इनको एक एक करके शामिल करते जाते हैं। सबसे पहले किसको शामिल करें? ऑप्शंस को। सबसे पहले यहां शामिल होंगी ऑप्शंस। अर्निंग्स में कितना इजाफा होना है इनसे? कुछ भी नहीं। शेयर्स में 20,000, तो इसका टोटल बन गया 10 मिलियन। दिस डिवाइडेड बाय दिस 4.95, और ये ऊपर वाला क्या था? 4.95। कम हो गई ना, तो डाइल्यूटिव है। दूसरा नंबर किसका था? कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का। अर्निंग्स में कितना इजाफा हुआ इनसे? 3 मिलियन। शेयर्स में कितना इजाफा होगा? 2 मिलियन। 13 मिलियन। 4020000। दिस डिवाइडेड बाय दिस 3.5। और डाइल्यूट हो गया। और आगे चलते हैं। तीसरा नंबर है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। अर्निंग में कितना इजाफा हो रहा है? इतना। शेयर्स में इतना। और 5620000। दिस डिवाइडेड बाय दिस 3.4। तो अब क्या हुआ? बढ़ना शुरू हो गया। और यहां पर हम अंग्रेजी बता देंगे, बता दूं, यहां पर हम लोग साथ साथ इसके बताते जाएंगे। इसके साथ कहेंगे ये तो खैर बेसिक है, डाइल्यूटिव है, डाइल्यूटिव है, एंटी डाइल्यूटिव है। अब इस सारे टेबल का कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है कि डाइल्यूटेड ईपीएस कंटिन्यूइंग की ये जो आखिरी थी, उसके बाद तो एंटी डाइल्यूट हो गया ना, जो आखिरी थी ₹3.23, और डिनोमिनेटर डिसाइड हो गया ना, अब यही डिनोमिनेटर है डिसकंटिन्यूड का, यही डिनोमिनेटर है, यानी 4 मिलियन डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर, यही है कितना 7 माइनस। ये होती है डाइल्यूटेड ईपीएस जिसमें एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। पहले रैंकिंग होगी और फिर जब रैंकिंग हो जाएगी तो इस तरीके से डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट होगी, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये वो मेहनत है जो पिछली क्लास में हो चुकी है, इसके लिए वो जो एक टेबल बनाते थे वो सब अपनी जगह कायम है, ये उसके बाद होने वाला काम है। जो रैंकिंग के मुताबिक निकला एक एक करके शामिल करते जाएंगे। इसमें मसला तो कोई नहीं, क्या
ये नहीं मैं कह सकता कि ये नंबर कटेंगे इस बात के कि नहीं कटेंगे, यानी अगर हमें यहीं से पता चल रहा है कि ये दोनों डाइल्यूटिव हैं तो उन दोनों को इकट्ठे कर दें। असल में स्टेप ये है, अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये नंबर कटेंगे कि आपने इस तरह स्टेप वाइज क्यों नहीं किया। हाँ वैसे तो हाँ ठीक है, यानी हमें यहीं से पता चल गया कि एंटी डाइल्यूटिव। जाना है तो पांच सौ का सवाल करना है, चले जाओ फिर, अब मैं करा देता हूं। चलो एक चीज और बतानी है वो बता देता हूं फिर आप चले जाना। पहली बात आ गई समझ, खत्म हो गया रेलवे डीपीएस, यही है। क्वेश्चन नंबर सेवन पढ़े, ये ना एक आईएएस में एक बात लिखी हुई है, इस पर टेस्टिंग तो नहीं हुई और आईकेप की बुक में भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आईएएस में है। मैं पहले भी आपको आईकेप की बुक से ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं, वो एक सवाल के जरिए ही समझा रहा हूं आपको, यानी जो सवाल का सोल्यूशन है ना वही असल में रूल है। क्वेश्चन नंबर सेवन पढ़ लें फिर समझाता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेवन पढ़ लें समझाता हूं। हाँ जी पढ़ लिया, अगर सब्सिडरी के भी कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं तो हम लोग ईपीएस, चूंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ईपीएस निकल तो पेरेंट की रही होगी, और जब पेरेंट की निकल रही होगी तो फिर उसमें डिनोमिनेटर क्या होगा, पेरेंट के शेयर्स या सब्सिडरी के भी? सिर्फ पेरेंट के ही होंगे, लेकिन सब्सिडरी के पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को किस तरह से अकोमोडेट करना है वो इस सवाल से सिखा रहा हूं। इसमें सबसे पहले तो सब्सिडरी की बेसिक और डाइल्यूटी डीपीएस निकालने का कहा है ये देख लें, सॉल्यूशन से बता देता हूं। पहले देखें सब्सिडरी की वर्किंग की हुई है, 5400 पैट दिया हुआ है, सब्सिडरी की बात कर रहा हूं, सोल्यूशन से ही देखते हैं। ये ना असल में आईएएस की एग्जांपल्स हैं जो मैंने ये क्वेश्चन होती हैं, काफी सारे स्टैंडर्ड में यही काम करता हूं, कुछ खुद भी बनाए, कुछ आईएएस की एग्जांपल्स होती हैं जिनकी फिगर्स बदली होती हैं, थोड़ा सा अमेंड किया होता है, जैसे मैंने लीज में असेसमेंट कह रहा हूं, रीअसेसमेंट में स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल ली थी लेकिन उनके डाटा चेंज किया हुआ था। ये बहरहाल स्टैंडर्ड ही की एग्जाम्पल्स हैं।
सब्सिडरी का प्रॉफिट 5400 दिया हुआ और सब्सिडरी के शेयर्स हैं 1000, और चूंकि इसके प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनका जो डिविडेंड है वो इस पैट में से माइनस हो जाएगा। तो देखिए बेसिक ईपीएस निकल आई, सब्सिडरी की बेसिक ईपीएस, ठीक है। सब्सिडरी की डाइल्यूटेड देखें, वो जो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किया हुआ था वो वापस ऐड बैक कर दिया, क्योंकि इसके पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनको जब हम डाइल्यूटेड करने लगे हैं तो इनका डिविडेंड ऊपर वापस कर दिया। 400 लेस किया हुआ था, ऐड करना था, तो 400-400 दोनों गायब हो गए, तो न्यूमिरेटर में 54 रह गया। अच्छा, अब उसके बाद ये ना सिर्फ स्टेप बचाया हुआ है, वही जो बात आप कर रहे थे, इसमें स्टेप बचा हुआ है ये दोनों ही डाइल्यूटिव, प्रेफरेंस शेयर भी और वारंट्स तो होते ही डाइल्यूटिव है, तो इसलिए हम दोनों को इकट्ठे किया हुआ है। नहीं समझ आ रही, जो डाइल्यूटेड ईपीएस निकाला हुआ है वो इकट्ठे निकाला हुआ है ना, दोनों डिनोमिनेटर इकट्ठे ही ऐड करके निकाले हैं, यानी इस तरह नहीं किया हुआ। आप एग्जाम में ऐसे ही करिए, ये सिर्फ समझाने के लिए किया था, इसलिए स्टेप बचाया हुआ है। ये दोनों ही इंडिविजुअली डाइल्यूटिव, जो वारंट्स थे उनके न्यूमिरेटर में कुछ ऐड नहीं होता तो कुछ ऐड नहीं किया, डिनोमिनेटर में क्या ऐड होता है, जो मुफ्त के शेयर होते हैं, तो मुफ्त के शेयर्स कैसे निकाले, 150 में से माइनस कर दिए, जो 150 से पैसा रेज होना था डिवाइडेड बाय अगर वो एवरेज मार्केट प्राइस पे इशू हुआ होता, तो मुफ्त के शेयर्स आ गए 75, ये 75 डिनोमिनेटर में आ गए, और जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं एक के बदले एक, तो फिर 400 शेयर्स हो जाएंगे, वो 400 डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। ये निकल आई सब्सिडरी की डाइल्यूटेड ईपीएस, सब्सिडरी की डाइल्यूटेड ईपीएस। अब जो कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड उनमें जो बेसिक ईपीएस है, पेरेंट का प्रॉफिट और सब्सिडरी का जो पेरेंट का हिस्सा है वो न्यूमिरेटर बन गया, तो देखें कंसोलिडेटेड के अंदर 12000 पेरेंट का प्रॉफिट दिया हुआ था, और उसमें जब सब्सिडरी वाला पोर्शन ऐड किया तो एक तो ये 5x800 किया है और ये 1x300 किया है, ये क्या, ये समझें, आईएएस में एक चीज लिखी हुई है कि सब्सिडरी की जो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल चुके हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना है पेरेंट के न्यूमिरेटर में। दोबारा सुने, हां दोबारा सुने, सब्सिडरी की जो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल चुके हुए हैं उस ही को इस्तेमाल करना है इनटू वो शेयर्स जो पेरेंट के पास है। बात समझ आई होगी आम आवाम को भी, जो पेरेंट की अपनी जाती बननी थी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, कंसोलिडेशन करते हुए हमने सब्सिडरी को जो साथ शामिल करना है, जो सब्सिडरी की इंडिविजुअल बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस निकाली हुई हैं उनको यूज करना है इन टू वो इंस्ट्रूमेंट्स जो पेरेंट के पास है, सब्सिडरी की ईपीएस इन टू वो इंस्ट्रूमेंट्स जो पेरेंट के पास है। देखें बेसिक में क्या किया, बेसिक ईपीएस सब्सिडरी की 5 निकली हुई थी, पेरेंट के पास कितने शेयर्स हैं, 800, 5x800 4000 ये हो गया। फिर चूंकि प्रेफरेंस शेयर जो उसमें से डिविडेंड माइनस हुआ हुआ था वो भी पेरेंट के पास ही है, तो साथ वो भी ऐड बैक हो गया, 1 रुपए का डिविडेंड है ना, तो वो ऐड बैक हो गया क्योंकि वो तो है ही पेरेंट के पास, तो ये साथ 300 वो आ गया, तो 4300 ये बेसिक ईपीएस ग्रुप की निकालते हुए न्यूमिरेटर में ऐड हो गया। डिनोमिनेटर में 10000 क्यों है, क्योंकि पेरेंट के शेयर 10000 है,
और ग्रुप बैलेंस शीट में आते पेरेंट ही का शेयर कैपिटल, सब्सिडरी का नहीं आता। तो डिनोमिनेटर चाहे बेसिक है चाहे डाइल्यूटेड है, डिनोमिनेटर में शेयर्स पेरेंट के, ये होगी बेसिक ईपीएस। अब डाइल्यूटेड देखें, जो डाइल्यूटेड में हमने एस में डाइल्यूटेड में किया था, जो हमने एस में डाइल्यूटेड में किया था उसका देखें एक एक करके बताता हूं कि क्या एडजस्टमेंट किए। एस की डाइल्यूटेड ईपीएस क्या निकली थी? 3.66। एक बार इस 3.66 को ये जो पहले हजार हैं डिनोमिनेटर में एक एक करके देखते जाएं, 3.66 को 5400 डिवाइडेड बाय 1000 है प्लस 75 है प्लस 400 है 3.66। इन सबको इधर ले जाएं, 3.66 इंटू 1000 प्लस 3.66 इंटू 75 प्लस 3.66 इंटू 400, ऐसे ही होगा ना। ये होगा वो जो सब्सिडरी का पूरा न्यूमिरेटर था। हमने ये पूरा न्यूमिरेटर नहीं लेना, जो हमारा हिस्सा है हमने वो लेना है। तो उसका तरीका ये है कि इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो इसमें से हमारे हैं, जो इसमें से हमारे हैं, जो इसमें से हमारे हैं। ये बात समझ आई? इसमें से हमारे कितने? तो देखें वर्किंग 5 3.66 इंटू 800, ठीक है। इसमें से हमारे कितने? 150 में से 30 हमारे पास हैं, 150 ऑप्शंस में से 30 ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो 30/150 हमारे पास है ना। 150 एस की इशूड है जिसमें से 30 हमारे पास हैं, तो 30/150 हमारे पास है ना। तो इस 75 में से हमारे पास कितनी है? 30/150। ये क्या हो गया? तो 3.66 इंटू इसमें से जितने हमारे पास हैं, वर्किंग 6 देखें, इसमें से हमारे पास कितने? 300। तो 3.66 इंटू 300, ठीक है। तो हमने जो सब्सिडरी की डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए न्यूमिरेटर बनाया था वो पूरा ऐड नहीं करना, तोड़ना है। इसको मल्टीप्लाई इनमें से जितने हमारे पास हैं, इनमें से जितने हमारे पास हैं, इनमें से जितने हमारे पास हैं। अब ये तीन अलग अलग न्यूमिरेटर आ गए, ये ऊपर ऐड हो गए और डिनोमिनेटर वही 10,000 है, ठीक है। क्योंकि पेरेंट के अर्निंग्स में सब्सिडरी का हिस्सा आके ऐड होता है ना, तो ये सब्सिडरी की अर्निंग ही तो है, तो उसमें अपने हिस्सा हमने ऐड करना था, लेकिन वो ऐसे करना। हमारी 12,000 है, उसमें सब्सिडरी वाली अर्निंग ऐड करनी थी ना, हमारा हिस्सा, तो वो इस पे हिस्सा डायरेक्टली नहीं लगाना, वो ऐसे करना, जो टुकड़ियां है ना उन पे अपना हिस्सा लगाना। अगर इनमें से हमारे पास कुछ ना होता तो बस 3.66 इंटू 800 करते, क्योंकि इन तीनों में से हमारा हिस्सा था इसलिए तीनों में हिस्सा आ गया, ठीक है जी। अच्छा, आपको ना इसके डिस्क्लोजर्स एक सवाल से सिखा रहा हूं, खत्म हो गया 33। इसके डिस्क्लोजर एक सवाल से सिखा रहा हूं, डिस्क्लोजर है क्या जबानी बता देता हूं। जो हमने बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस में न्यूमिरेटर इस्तेमाल किया है वो लिख के दिखाना है, जो डिनोमिनेटर इस्तेमाल किया वो नोट्स में लिख के दिखाना है। यानी सिर्फ ईपीएस नहीं बताने के 2.25 है, वो 2.25 निकली कैसे, न्यूमिरेटर क्या है ये भी बताना है, डिनोमिनेटर क्या है ये भी बताना है। फिर जो बेसिक का न्यूमिरेटर है डाइल्यूटेड के न्यूमिरेटर तक पहुंचते हुए उसमें क्या क्या एडलेस कर रहे हैं ये भी करके दिखाना है,
वर्किंग फॉर्मेट बना के दिखानी जिसको रिकंसिलिएशन कहेंगे। जो बेसिक का डिनोमिनेटर था डायल्यूटेड के डिनोमिनेटर तक पहुंचने के लिए उसमें क्या क्या ऐड किया है, ये भी एक रिकंसिलिएशन बना के दिखानी है। इसके लिए एक सवाल है और वो सवाल आई कैप, अच्छा उसका सोल्यूशन सही नहीं है और वो इतनी ऑब्वियस गलती है जो आप भी पहचान सकते हैं, यानी आप कहे ना कि शायद उसमें कोई बहुत गहराई थी जो शायद मैंने कहा है कि गलत है, इतना ऑब्वियस गलती है कि आप बिल्कुल आराम से पहचान सकते हैं। वो है जी क्वेश्चन नंबर 6 जून 15, क्वेश्चन 6 जून 15। मच्छर खा गया। क्वेश्चन 6 जून 15, इसका सोल्यूशन मैं दूंगा क्योंकि, और आप बिल्कुल इसको आईकैप के सोल्यूशन से कंपेयर करिएगा, आपको अंदाजा होगा कि आईकैप सोल्यूशन में क्या ऑब्वियस गलती है। ये करिएगा कैलकुलेशन, आप करिएगा सोल्यूशन में, आपने सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन देखनी है कि डिस्क्लोजर्स क्या हैं। इसको करने के बाद एक होमवर्क दे रहा हूं, है तो ये भी होमवर्क ही लेकिन ये डिस्क्लोजर सिखाने के लिए होमवर्क है, होमवर्क दे रहा हूं जो मुश्किल है, मुश्किल कैलकुलेशन है, ट्राई कर लेना और आपको जो मुश्किल आएंगे वो तो उन्हीं से पता चलेगा जो क्लास में फिजिकल बैठेंगे, ये जरूर करके आना ताकि पता चले क्या मुश्किलें आपको आई। होमवर्क है जून 18 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7, जून 18 अटेम्प्ट का, मैं कंफर्म कर लेता हूं। जी बिल्कुल, जून 18 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें अच्छी कैलकुलेशन, वो जो अभी किया था ना कन्वर्टेबल में से कुछ कन्वर्ट हो रहे थे, कुछ महीनों में कन्वर्ट हो रहे थे, आधे हो रहे थे आधे नहीं हो रहे थे, तो जो हो रहे थे वो पूरे साल गिने, जो नहीं हो रहे थे उनको पूरा साल गिना और जो हो रहे थे उनको 9 महीने गिना, ये वो पॉइंट है सवाल के अंदर, तो इस लिहाज से अच्छी कैलकुलेशन है। फिर इसके अलावा इसमें कैलकुलेशन इंटरेस्ट की भी अच्छी है, सवाल बहुत अच्छा है, ट्राई आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई मसले आएंगे तो फिर अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 जून 18, और उसके अलावा जिनके पास यासिर साहब की किताब है उसमें पुराने पुराने सवाल भी हैं, जितनी प्रैक्टिस मर्जी आपकी करना चाहें तो कर लें, ठीक है। जून 15 क्वेश्चन नंबर 6, इसका सोल्यूशन मैं दूंगा, आई कैप वाले में बहुत ऑब्वियस गलती है वो जरूर देखिएगा, और दूसरा मैंने जून 18 दिया है क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों करके आइएगा, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह आई स्टेल कराता हूं शुरू। सही मुस्लिम में रवायत है, सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात ना करेगा और उन्हें ना पाक करेगा। अबू मुआविया ने कहा कि और ना उनके जानिब देखेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। अब ये तीन कौन है? बूढ़ा जानी, झूठा हाकिम और मुतकब्बिर फकीर।